डीसी ने अपना एक नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है ब्लू बीटल, जो कि यंग सुपर हीरोज में एक नई फ्रेशनेस ला रहा है। अब डीसी ने यहाँ अपना लैटिन अमेरिकन सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया है जो कि एक नई डायवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी टिपिकल सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी से एकदम हटकर है एंड यहाँ हमारा हीरो लाइफ के उस स्टेज पर है जहाँ उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। ये वो न्यूनेस है जो आसानी से देखने को नहीं मिलती एंड इसकी एक और बात जो इसे खास बनाती है वो है इसका बबाल VFX और BGM। अब ट्रेलर का लेवल ये है तो मूवी का क्या होगा सोचकर ही गूज़बम्स आने लगते हैं। अब ब्लू बीटल के सूट की ही बात करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन को जैसे दिखाया गया है ये बहुत ज्यादा गजब का लगता है। इसके VFX डे लाइट में भी कमाल के लगते हैं एंड इसका म्यूजिक इसे एक अपर लेवल पर ले जाता है। इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट इसकी ओरिजिन स्टोरी है। मूवी किसी यूनिवर्स को कैरी ना करके एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बेस पर चलती है जहाँ सिर्फ न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है एंड आगे के यूनिवर्स के हिंट देना है बस। अब हाईवे जैसे एनर्जेटिक कैरेक्टर को जिस खूबसूरती के साथ दिखाया गया है गजब का एक्सपीरियंस देता है ये ट्रेलर और साथ में इसका एक्शन जो कि काफी ज्यादा तगड़ा है। ब्लू बीटल को कैरी करने वाला कैरेक्टर हाईवे बहुत कूल शो करता है अपने आप को। उसके अपने रूल हैं एंड वो लड़ने से पीछे नहीं हटता। ब्लू बीटल का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि वो अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है एंड यहाँ शुरू से ही उसकी फैमिली को पता है कि वो एक सुपर हीरो है एंड इसमें जो एक्शन दिखाया गया है वो गजब का है एंड इसकी एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ब्लू बीटल का ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा है एंड ये यंग सुपर हीरोज के लिए एक रेवोल्यूशन है एंड ब्लू बीटल का ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताइए एंड ऐसी और वीडियोज के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।